वहीं सोनीपत लोकसभा से आजाद उम्मीदवार सतीश राज देशवाल ने राजनीति में स्वच्छ छवि के लोगों को लाने के लिए अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। सतीश राज को इलाके की जनता का भी समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब कुछ ही दिन बचा है। ऐसे में चाहे बड़े राजनीतिक दल हो या आजाद उम्मीदवार, सभी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सोनीपत लोकसभा से आजाद उम्मीदवार सतीश राज देशवाल ने भी ताल ठोकते हुए अपना जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सतीश राज को इलाके की जनता का भी समर्थन मिल रहा है। सतीश राज का कहना है कि वर्तमान राजनीति में स्वच्छ छवि के नेताओं को आने की जरूरत है। सतीश राज का कहना है कि आज समाज में युवाओं के पास ना तो रोजगार है और ना ही किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान दे रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का तो केवल एक ही एजेंडा है, और मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कंपनी बढ़ रही है। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 जब देश आजाद हुआ तो ऐसी क्लियरली मेंशन की गई थी कि समाज में से कुछ सामाजिक लोग चुनके समाज के लिए आए और उनसे सरकार बने और वो सरकार देश के विकास के लिए काम करे, हमारे बच्चों को दिशा देने के लिए काम करे, हमारे देश को बढ़िया बनाने के लिए काम करे। लेकिन ये बात सुनी नहीं गई। कांग्रेस को भी डिजॉल्व करने के लिए बोला गया था, साल बड़े वो लोग सब जानते होंगे, लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी ने वो नहीं किया और पार्टियां शुरू हो गई। धीरे धीरे पार्टियां बननी शुरू हो गई और पार्टियां बनी, क्षेत्रीय पार्टियां बनी। मेन मुद्दा क्या रहा? सतीश राज के मुताबिक राजनीतिक दल लोगों को केवल भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता के हित को लेकर इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने इलाके की जनता का विकास करना चाहते हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो वो भी लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुनील जिंदल, टोटल न्यूज़, गोहाना।